नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रकाश की सेकेंड पार्ट। हम लोग पढ़ रहे थे लाइट, यानी प्रकाश के सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाशीय माध्यम, जिसमें हमने पढ़ा था संदेशिक और विसंदेशिक माध्यम क्या होते हैं। यानी कि हमने बताया था प्रकाशीय माध्यम, यानी प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। इसका पार्ट हमने बताया था संदेशिक और विसंदेशिक। संदेशिक माध्यम यानी जिसमें प्रकाश की चाल हमेशा समान रहती है संदेशिक माध्यम कहलाती है, और विसंदेशिक माध्यम यानी जिसमें प्रकाश की चाल हमेशा बदलती रहती है विषमदर्शी माध्यम कहलाती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आत्मदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ। यानी पदार्थ के बारे में देखते हैं कि कौन सा जो प्रकाश खुद रिलीज करती है, और कौन क्या है दूसरे के प्रकाश से चमकती है, और खुद एक क्या है कि कोई ऐसा ही पदार्थ है जो कि प्रकाश पड़ने के बाद भी उससे कोई प्रकाशमान नहीं होती है। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ओके, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करके, है ना, आगे नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा। ओके थैंक यू। आगे देखते हैं हम लोग। आत्मदीप्त पदार्थ यानी वैसा पदार्थ जिसमें नाभिकीय अभिक्रिया के फलस्वरूप स्वतः प्रकाश निकलती है, या तो नाभिकीय अभिक्रिया के, यानी कि हम लोग यहाँ पे नाभिकीय अभिक्रिया जो लिखे हैं, या फिर अभिक्रिया के मतलब यहाँ रासायनिक अभिक्रिया ही बोल सकते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया ही बोल सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो यानी वो प्रकाशमान होती है, यानी कि जिसके फलस्वरूप वह स्वतः प्रकाश निकलती है, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाती है। एन एग्जाम्पल सूर्य, तारे, मोमबत्ती। सूर्य, तारे, मोमबत्ती एक हमारा क्या है एग्जाम्पल इसका है। आगे हम लोग देखेंगे प्रदीप्त पदार्थ। प्रदीप्त पदार्थ यानी वैसा पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है लेकिन दूसरे के प्रकाश से चमकता है। यानी वैसा पदार्थ जिसके पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरी किसी दूसरे के प्रकाश से चमकता है, वो क्या कहलाता है यहाँ पे, यानी आदित्य पदार्थ कहलाता है, यानी कि प्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। ठीक है, उसे हम लोग प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे चंद्रमा, डोमस, फोबस, ये जो ETC है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे सेटेलाइट्स ऐसे हैं, उपग्रह हैं, वो क्या है कि किसी दूसरे के प्रकाश से वो चमकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे अदीप्त पदार्थ यानी वैसा पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश भी नहीं होता है। यानी अदीप्त पदार्थ का मतलब यहाँ पे है यानी वैसा पदार्थ जिसके पास अपना कोई प्रकाश भी नहीं होता है लेकिन दूसरे के प्रकाश से भी नहीं चमकता, तथा वे दूसरे को प्रकाश से भी नहीं चमकता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, ईंट, पत्थर इत्यादि, ये सारी चीजें जो है यानी कि किसी दूसरे के प्रकाश से भी प्रकाशमान नहीं होता, और इनके पास खुद भी लाइट नहीं। जैसे अभी हम लोग क्या है कि हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं, तो क्या है ना, खुद पढ़ते हैं ना पढ़ने भी देते हैं, यानी वीडियो को पॉज करके चले जाएंगे। अरे यार, कोई पढ़ा रहा फ्री में पढ़ लो, अभी मौका है। यानी लॉकडाउन में ऐसा कौन है जो कि मतलब फिर भी देख लो, हम लोग ज्यादा बोलेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे। अब लोग हम आगे देखेंगे पदार्थ जो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से वो बिहेव करेगा, लाइट को पास करने देता है या नहीं करने देता है, या फिर आंशिक या पार्शियली पास करने देता है, इसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। ये इसका आप तुरंत स्क्रीनशॉट लोगे, हम थोड़ा सा साइड होते हैं। ओके चलिए, इसे हम लोग इरेज करते हैं। इसे इरेज कर लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और वो हमारा टॉपिक होगा, वो टॉपिक हमारा है, और वो हमारा टॉपिक होगा पारदर्शी पदार्थ। अब पारदर्शी पदार्थ क्या होती है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होती है, और पारभासी पदार्थ क्या होती है। पारदर्शी पदार्थ यानी जिसके आसपास पूरा का पूरा देखा जा सके। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करेंगे कोई यहाँ पे कांच का स्लैब है, ये सारी चीजें की तरफ हम क्या आर पार देख सकते हैं, लेकिन अगर तेल लगा हुआ कागज है उसके रूप से आंशिक पता कर सकते हैं कि इधर कोई खड़ा है या फिर कुछ है, लेकिन पूरा पार्शियली नहीं पता चलेगा, फाइनली पता नहीं चलेगा कि वो चीजें है क्या। ठीक है, और एक होता है अपारदर्शी यानी कि कोई दीवार है, जैसे सपोज ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड की तरफ उधर कौन है इसके बारे में उनको पता नहीं, और दीवार भी है इसके बारे में पता नहीं आगे वो किधर है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं यानी कि पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी यानी कि वैसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, वैसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अभी हमने बताया वैसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। आने की यहाँ पे जो है इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे, एग्जाम्पल कांच है,
पानी है और वो पानी एकदम साफ होनी चाहिए एंड अल्कोहल है इत्यादि। अब इसके बाद हम देखेंगे पारभाषी पदार्थ। ठीक है, पारभाषी पदार्थ या अपारदर्शी पदार्थ, हम लोग पहले अपारदर्शी पदार्थ को देख लेते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, नहीं देखा जा सके, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अब सोचिएगा यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लोग का है, ईट है, पत्थर है, लकड़ी है, क्या भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, लकड़ी इत्यादि बहुत सारी चीजें और भी। इसके बाद हम लोग देखेंगे पारभाषी। ठीक है, पारभाषी पदार्थ आर पार आंशिक रूप से देखा जा सके, आंशिक रूप से देखा जा सके उसे पारभाषी पदार्थ कहते हैं। पारभाषी कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, आप यहाँ पे बताइए एग्जांपल, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, घिसा हुआ कांच, ये हमारा क्या होगा, इसके अंतर्गत आएंगे। देख लेते हैं, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, अब हमारा इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे पड़ेंगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जब बात कर लिया पारभाषी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, अब हम लोग ओनली फॉर एक टॉपिक और बचा, साया, छाया, ठीक है, यानी शैडो। ये शैडो को डिफाइन कर लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इधर आते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा हम पहले पानी पी लेते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है इसका, ओनली फॉर एक यहाँ पे और बस रखा, उसके बाद हम लोग कल और बात करने वाले हैं आपसे, प्रकाश का परावर्तन। ओके, हम लोग देखेंगे अब छाया। छाया होता क्या है, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरणें अपारदर्शी वस्तु पे पड़ती है तो काला वाले भाग को हम लोग छाया बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे खड़े हैं, इधर से जो लाइट आ रही है, जो यहाँ पे काला भाग यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ये वाली जो चीजें आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, मेरा जो यहाँ पे सर का जो चीजें यहाँ पे ब्लैक पार्ट जो आ रही है वो क्या कहलाएगी, छाया कहलाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन करके दिखाते हैं पहले आपको, यानी कि जब कि प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब किसी भी प्रकाश की किरणें, ठीक है, अपारदर्शक वस्तु पे पड़ती है, लिखेगा छाया। जब प्रकाश की किरणें
किसी अपारदर्शक, पारदर्शक का मतलब अपारदर्शी, जिसके आर पार देखा नहीं जा सके। अनिवेश जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शक वस्तु पे पड़ती है, तो प्राप्त काले भाग या हम लोग इसे हिस्सा भी बोल सकते हैं, अनिश्चय को छाया कहते हैं, को छाया कहते हैं। ओके, दैट मींस सपोज दिस इज ए, यहाँ पे जो कोई ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा क्या है हमारा, अपारदर्शक। ठीक है, ये जो पदार्थ हमारा अपारदर्शी है, आर पार देखा नहीं जा सकता। यहाँ से जो किरणें आ रही है, सनलाइट आ रही है, टॉर्च आ रही है, जो भी किरणें आ रही है, प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, प्रकाश की जो किरणें यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे देखेंगे आप बगल में एक शैडो इसका लंबा सा बनेगा, कुछ इस तरीके से क्या आएगा, शैडो आएगा। ठीक है, आने यहाँ जो ब्लैक पार्ट होगा, आने काला हिस्सा जो होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं छाया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे। कल की टॉपिक हमारी है प्रकाश का अपवर्तन, ध्यान रखेंगे आने की प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, ये टॉपिक हम रुक कर करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।